युवक ने तांत्रिक से परेशान होकर घर में फांसी लगा ली। संजीव नाम का युवक इन तीन तांत्रिकों द्वारा परेशान था। उसके घर पर पहले भी तांत्रिक विद्या की गई थी। महिला व दो उसके साथी संजीव को बुलाते थे और उसको अपने तंत्र विद्या से उसको परेशान करते थे, जिससे तंग होकर उसने घर में फांसी लगा ली। पुलिस अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संजीव ने फांसी लगाई और तीन लोगों पर आरोप है कि वे तांत्रिक विद्या करते हैं और संजीव को परेशान किया करते थे, जिसके बाद उसने फांसी लगाई और जल्दी उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बात इन तांत्रिकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सर क्या बताएंगे, क्या मामला था है पूरा दोबारा? मामला तो इनका तांत्रिक विद्या करता, वो काम करता है तांत्रिक का गाँव में, उसकी वजह से परेशान था वो लड़का सुरेंद्र की वजह से। उसने ही सारा इसको अपने जाल में फंसा रखा था, काफी दिनों से तंग कर रहा था, इस करके उन्हें अपने आत्महत्या कर ली। क्या नाम है इसका? इसका संजीव। तो क्या ऐसा किस तरह करते हैं तांत्रिक विद्या? क्या ऐसा पूछे तो अच्छा, ये किसी के साथ छोड़ने उतारने खिला पिला के मजबूर कर दिया। क्या नाम आपका? मेर सिंह। संजीव की मौत कैसे हुई है, क्या मामला था? संजीव बहुत नेक और बहुत बढ़िया लड़का था, मेरे पास 10-12 साल से वही चक्की पे काम करता था। अच्छा। किसी के साथ कोई झगड़ा कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ एक साल से उसके साथ ऐसा घट रहा था, कुछ भी उसको पता चलता क्या हो रहा है उसके साथ। अच्छा, कोई जो पड़ोसी बता रहे तांत्रिक विद्या का, जो भी है मतलब इनके पड़ोस में थे, तो उसको 1-1.5 साल से मतलब ऐसा था, हफ्ते में 2 दिन मतलब उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो क्या किया संजीव ने? बस कल पता लगा, तो उन्होंने फांसी लगा दी है। अच्छा, बिल्कुल चलाया पिलाया, ये तो उनको पता होगा। इसका परिवार भी है? हाँ जी, परिवार है जी, 3 लड़की है उसकी, संजीव के पास। हाँ जी, लड़की लड़की। तो आज क्या कार्रवाई की जाएगी? आज पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम होगा जी। पुलिस को इतला दे दी इसकी? हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा मनोज कुमार। क्या मामला दर्ज किया गया जुंडला में, जो तांत्रिकों से युवक ने परेशानों की फांसी लगाई? कल गाँव जुंडला का एक लड़का है संजीव दिक्कू, उसने अपने घर में फांसी लगा ली थी। फांसी लगाने के बाद वहाँ पर पुलिस पहुंची है, उसके बाद उन्होंने परिवार वालों ने स्टेटमेंट लिखवाई है कि गांव के ही 3 पर्सन हैं जो तांत्रिक का काम करते हैं, टोने टोटके करते हैं, उन्होंने उसको अपने वश में किया हुआ था, उनके तंग करने के कारण ही उसने आत्महत्या की। अच्छा, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? बयान के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की। इसमें एक महिला भी है? हाँ, महिला दोषी का नाम लिखवाया है। अच्छा, ये एक ही परिवार के लोग हैं? एक ही परिवार के 3 व्यक्ति हैं, उन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। कोई हिरासत में लिया जान? अभी कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहली जांच में क्या पाया कि तांत्रिक विद्या चल रही थी कोई ऐसा? अभी हमारे सामने कुछ नहीं है, ये बात बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जैसा भी हो। आज क्या कार्रवाई की जाएगी? आज में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद जो आरोपी का जिनके ऊपर इल्जाम लगाया उनको पूछताछ की जाएगी, जो जैसी कार्रवाई होगी कार्रवाई। तो कौन सी धारा में किया है? कोई आत्महत्या के लिए मजबूर करना? आत्महत्या के मजबूर करने के लिए 3 धारा 306 में एफआईआर लॉन्च की गई। संजीव की मौत कैसे हुई है, क्या मामला था? संजीव बहुत नेक और बहुत बढ़िया लड़का था, मेरे पास 10-12 साल से वही चक्की पे काम करता था। अच्छा। किसी के साथ कोई झगड़ा कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ एक साल से उसके साथ ऐसा घट रहा था, कुछ भी उसको पता चलता क्या हो रहा है उसके साथ। अच्छा, कोई जो पड़ोसी बता रहे तांत्रिक विद्या का, जो भी है मतलब इनके पड़ोस में थे, तो उसको 1-1.5 साल से मतलब ऐसा था, हफ्ते में 2 दिन मतलब उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो क्या किया संजीव ने? बस कल पता लगा, तो उन्होंने फांसी लगा दी है। अच्छा, बिल्कुल चलाया पिलाया, ये तो उनको पता होगा। उसका परिवार भी है? हाँ जी, परिवार है जी, 3 लड़की है उसकी, संजीव के पास। हाँ जी, लड़की लड़की। तो आज क्या कार्रवाई की जाएगी? आज पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम होगा जी। पुलिस को इतला दे दी इसकी? हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा मनोज कुमार। सर क्या पता लगा आपको? मामला जैसे बता रहे हैं जी, इन्होंने हम भी यही बताएंगे जी, इतने परेशान नहीं। अभी पिछले वीरवार ने मेरे लड़के की शादी हुई थी 21 मार्च को, उन्होंने मेरे साथ के लड़के के साथ की ये भी कर दिया, मेरी बहू के साथ की। ठीक है, मैंने बरादरी इकट्ठी करी, उन्होंने जड भी मान ले छटवा दिया था बरादरी का, नहीं कोई बात नहीं चलो मैं बैठ गया था जी, मैंने कोई इसकी दरखास्त नहीं करी जी। अभी फिर उसने फिर ये घटना घटा दी, मेरा सगा बन जा जी, और ये इसने फिर घटना घटा दी मेरे साथ में, हम बहुत परेशान है जी। इसको खिला पिला दिया कुछ? हाँ, खिला दिया जी। तो घर में फांसी लगाई? हाँ, घर में लगा दी। कुछ उसने लिखा अपना बताया आपको? कोई भी तंग कर रहा मेरे को? कोई तंग तो कहा जी कर रहा है? पड़ोसी साथ में, मेरी बहन साथ मिले थे, जब उन्होंने कहा ये पिछले दिनों की बात है, मैंने उसकी माँ तक जी और भी पड़ोसी साथ में, मैं कही हमारे साथ में ऐसे कर इसको समझा ले, उसने पता किया, अब मैं जो मर्जी करूँ जो मेरे को रोक दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम किताब बाजी।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।